हाउ डू यू मेक मनी एट योर स्टार्टअप, वॉट आर दी मेथड जिससे आप अपने स्टार्टअप में रेवेन्यू जनरेट करते हैं. हाई, दिस इज प्रियंका मंदानी, फाउंडर ऑफ इजी टू पिच, ऑन माई अनदर सीरीज फॉर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स टू टेल हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट पिच डेक. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इन्वेस्टर्स एक पिच डेक देखते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं दैट हाउ आर यू मेकिंग मनी. कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने स्टार्टअप में. वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकता है, वो एक SaaS मॉडल हो सकता है, वो एक PaaS मॉडल हो सकता है, या ट्रांजैक्शनल मॉडल हो सकता है जहां पे कमीशन के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो. एंड सिमिलरली देयर कैन बी P2P एंड मेनी मोर जनरेटिंग रेवेन्यू मेथड्स दैट यू कैन डू इन योर स्टार्टअप एज एन अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल हूज प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम जब पिच डेक बनाते हैं तो हमारा बिजनेस प्लान का स्लाइड कैसे दिखना चाहिए. Because in the end, we have to build a perfect pitch deck जिससे investors जाने आपके बारे में और definitely सोचे कि इसमें आपको fund करना है. So जब हम business plan की slide mention करते हैं अपने deck पे, ऐसे बहुत सारी गलतियां होती है जब हम करते हैं. हम ये mention नहीं करते हैं कि हमारा actual model क्या है. Model as in like अगर आप currently user based traction आपके पास है तो you will not talk about your revenue generating sources but you will talk about the users on your platform. कि मैंने अगर application बनाया है या website बनाया है तो इतने मेरे monthly active users हैं या इतना download हुआ है and this would be considered as your traction. But you have to show that how will you make money in the end through these number of users by bringing up any plan that you have to use for scaling up in future of course, right? ठीक है, तो अब ये तो हमारा बात हो जाती है यूजर बेस्ड ट्रैक्शन की. लेकिन अब जब हमारे को पता है कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या हम ये सब मेंशन कर रहे हैं कि मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, क्या मेरे मार्जिन्स कितने हैं, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ वन यूनिट कितना है. क्योंकि अगर मैं एक सेल्स कर रहा हूं और मैंने कॉस्ट ऑफ जो हमारा कैग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना होता है वो मेंशन नहीं कर रहे, देन इट्स ऑफ नो यूज, राइट? यू हैव टू मेंशन योर कैग. सिमिलरली अगर आप एक कमीशन बेस्ड मॉडल में है, सपोज यू फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म सम ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग एंड यू आर टेकिंग सम परसेंटेज ऑफ दैट ट्रैक्शन एज योर रेवेन्यू, राइट? सो यू हैव टू मेंशन दैट. यू हैव टू टॉक अबाउट योर मार्जिन. अब कैक की बात हो रही है तो ऑफकोर्स मार्जिन की भी बात होगी. कितना आप स्पेंड कर रहे हैं उस एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से आपके पास कितना बचता है, दैट इज योर मार्जिन. इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल. एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड योर रेवेन्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑफकोर्स मैं अब ये नहीं कह रही हूं कि आप पूरा रामकथा लिख दो स्लाइड में अबाउट योर बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, बट दीज आर सम स्पेसिफिकेशन दैट यू हैव टू मेंशन, यू नो. क्योंकि अगर बिजनेस प्लान आप मेंशन कर रहे हैं कि ये मेरा रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर कैक एंड मार्जिन्स और इवन करंट यूजर्स एंड हाउ यू विल बी ब्रिंगिंग अप रेवेन्यू आउट ऑफ देम. सो नेक्स्ट टाइम आप अपना बिजनेस स्लाइड बना रहे होंगे, बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल का स्लाइड बना रहे होंगे, प्लीज डू नॉट डू सच मिस्टेक्स व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग अबाउट द कैक और अबाउट योर बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स, आपके मार्जिन कितने हैं. और अगर अभी आपके पास खाली यूजर बेस वाला अट्रैक्शन है तो आप उनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे और कब जनरेट करेंगे, एंड स्पेसिफाई दी मॉडल एंड एक्सप्लेन दैट मॉडल और वर्किंग ऑफ दैट मॉडल. थैंक यू.